नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपात उपबंध और यूनियन टेरिटरी या संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन और हम लोग राजनीतिक दल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। ये सारे MCQs लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से लिए गए हैं, जो कि महत्वपूर्ण होते हैं बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो तीन प्रकार का आपातकाल होता है। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो इनमें से सभी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो तीन बार। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो इनमें से सभी, यानी युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? तो दो बार। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो एक बार। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो 3 दिसंबर 1971। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की थी? तो 26 जून 1975, जब आंतरिक डिस्टरबेंस या इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने आपातकाल की घोषणा करवाई थी। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किस राष्ट्रपति के आधार पर की गई थी? तो आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। द्वितीय राष्ट्रकाल आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? वी वी गिरी। 1975 में तीसरे राष्ट्रकाल आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी? फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के शब्द रखे गए? तो आंतरिक अशांति। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है, तो एक माह के अंदर रखा जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा है? तो कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। राष्ट्रीय आपात की घोषणा उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है, तो अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो वैसी ही बनी रहती है। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की को घोषित करने का अधिकार प्राप्त है, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी कि हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो एक महीना में। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद का द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? तो एक महीने में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो राज्य के राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राज्य के राज्यपाल से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो 2 माह के भीतर। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्यपाल के परामर्श से। अगला प्रश्न, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो 6 माह की। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि चुनाव आयोग घोषणा कर दे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ सकते हैं? तो न्यायिक, यानी कि विधायिनी और कार्यपालिका दोनों आ सकते हैं, लेकिन न्यायिक नहीं आ सकते हैं। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो 6 माह के लिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकती है? तो 3 वर्ष के लिए।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 12 माह कर दिया गया। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 20 जून 1951 को। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? तो पंजाब में। उसे पेप्सू कहा जाता था उस टाइम पे दोस्तों। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो जम्मू एंड कश्मीर में। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई थी इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है? कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायिका शक्तियाँ, न्यायिका शक्तियाँ। तो कार्यपालिका शक्तियाँ और विधायिका शक्तियाँ वो अपने हाथों में ले सकता है, लेकिन न्यायिक शक्तियों को नहीं ले सकता है। तो इसका आंसर C, 1 और 2 होगा, दोनों होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 360। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो अभी तक नहीं की गई है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे आपात स्थिति जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई? तो वित्तीय आपात स्थिति। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित किया रखा जाता है? तो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? तो वित्तीय विधेयक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यपाल कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्ति के पर परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते हैं वेतनों और भत्तों में कमी करने के निर्देश देने में सक्षम है। तो केवल एक इसमें स्टेटमेंट सही है दोस्तों। पहला, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो कभी नहीं। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथों में रहता है? तो राष्ट्रपति का शासन हाथों में रहता है। अब हम लोग संघ राज क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड कुछ MCQs करेंगे। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है तो राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संघ शासित क्षेत्र जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि निर्माण कौन करता है? तो संसद करता है। भारत के किस एकमात्र संघ राज क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली। वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है? तो दिल्ली एवं पुदुचेरी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो उपराज्यपाल कहा जाता है। चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? तो मुख्य आयुक्त। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? तो लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से सभी, यानी दिल्ली, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, या फिर लक्षद्वीप को प्रशासक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? तो चंडीगढ़। सुमेलित करना दोस्तों, सूची 1 में संघ राज क्षेत्र के नाम दिए गए, सूची 2 में प्रशासन संचालनकर्ता के नाम दिए गए। तो चंडीगढ़ के दोस्तों होंगे मुख्य आयुक्त, लक्षद्वीप के होंगे दोस्तों प्रशासक, पुडुचेरी के होंगे उपराज्यपाल और दिल्ली के होंगे उपराज्यपाल। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है? मतलब कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा विधान परिषद को गठन करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 69वें संशोधन के अनुसार। निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का भी प्रशासक होता है। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है। अब हम लोग राजनीतिक दल से रिलेटेड कुछ MCQs को करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो बहुदलीय है, यानी कि बहुत सारी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है, तो बहुदलीय है। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो राजनीतिक दलों के अभाव में। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित है। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं। विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। तो उपयुक्त सभी स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, और आर स्टेटमेंट है राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। तो दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है।
कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? तो 4। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है। किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है, कम से कम 4 राज्यों में अगर वह राज्य स्तर का दल है तो। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जब आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिहार मत प्राप्त हो, तो उसे 4% प्राप्त होना चाहिए। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है तो बहुदलीय पद्धति है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया? तो 14। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश के राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? तो अकाली दल। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो 4%। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में राज्य स्तरीय पार्टी के नाम दिए गए, सूची 2 में संबंधित राज्य दिए गए। तो सेतकर कामगार पार्टी ये जो है महाराष्ट्र के हैं, पट्टाली मक्कल कत्ची ये पुडुचेरी के हैं, रिवोल्यूशनरी पीपल्स पार्टी ये केरल के हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के हैं। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों CPI और CPIM में किस वर्ष में हुआ? तो 1964 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ? तो 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पंजाब। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? तो हाथी, धनुष व तीर निशान है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में हुआ था? 1925 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का एक वैचारिक नारा है? भाजपा। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय। किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? CPI। पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रखने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो इसमें से कोई भी नहीं, यानी मुस्लिम लीग भी नहीं, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी भी नहीं, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं है और पीजेंट्स एवं वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया इसमें से कोई नहीं है। 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? तो कांग्रेस पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा दल ना तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है और न ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए एक मान्यता प्राप्त है? तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? अकाली दल। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो AB वाजपेयी। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो जयप्रकाश नारायण। राजनीतिक दल निम्नलिखित में किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? भारतीय साम्यवादी दल। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी? तो स्वतंत्र श्रमिक दल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल में। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष में बनी थी? तो 1977 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP को कब स्थापित किया गया? तो 1999 में। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2012 में। द्रविड़ मुंटेर खाजगम DMK की स्थापना किसने की? तो CN अन्नादुराय ने। भारतीय राजनीतिक पार्टी CPI का पूरा नाम क्या है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारतीय राजनीतिक पार्टी बसपा का पूरा नाम क्या है? BSP का, तो बहुजन समाजवादी पार्टी। भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। दोस्तों इस तरह का प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स जैसे कि SSC, डिफेंस, रेलवे, स्टेट PCS में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।